आइए हम सभी नई हेडिंग देखते हैं, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश। एक चीज है, आप क्या करो, एक क्या ले लो, एक कुंडली ले लो, ठीक है। और इस कुंडली में फेरों की संख्या कितना कर दो, एन कैपिटल एन कर दो। और इसमें क्या कर दो, एक लगा दो आप, क्या ठीक गिर के एक थोड़ा लगा दो, क्या धारा, देखिए एक धारा मापी लगा दो। यहां से आप क्या करो, एक छड़ चुंबक, इसके कारण ये इसकी क्या निकलेंगे, क्या निकलेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। नॉर्थ पोल से निकलेंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। इस तरह की इनकी डायरेक्शंस हो जाती है। जब आप इस छड़ चुंबक को क्या करोगे, कुंडली की तरफ ले आओगे, या क्या करोगे, कुंडली से दूर ले जाओगे, तो ये जो रेखाएं हैं ये इस कुंडली से होकर के क्या करेंगी, आएंगी। जब तक ये छड़ चुंबक आगे पीछे होता रहेगा, इन रेखाओं की मात्रा कुंडली के अंदर जाएगी और क्या करेगी, बाहर निकलेगी। ये पूरा सिस्टम का इधर आएगा ना, तो ये रेखाएं क्या करेंगी, इनसे होकर के क्या करेंगे, जैसे ले आओगे कुंडली के अंदर आएंगे, जब दूर ले जाओगे तो रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। यहां पे क्या होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। माना एक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कितना, कैपिटल एन। एक छड़ चुंबक को, एक छड़ चुंबक को कुंडली के पास लाने और दूर ले जाने पर कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या आता है, बदलाव आता है ना। कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये आपका क्या कह सकते हो, फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन। यानी आप ये जानते हो फाई बी चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। जैसे ही आप क्या करोगे, आगे पीछे ले आओगे, यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बी, यानी क्या हो जाएगा, बी टू वेक्टर माइनस बी वन वेक्टर इनटू डॉट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है। यानी ये आपका हो जाएगा बी टू माइनस बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। यहां पे फेरों की संख्या कितना, एक हो गया। तो यहां से क्या कहा, ई प्रोपोर्शनल टू क्या कहा था, माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी कहा था, और ई इक्वल माइनस के डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी कहा था। यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन कर दिया जाए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन, तो कुल विद्युतवाहक बल कितना हो जाएगा, माइनस एन के बराबर यहां पे कितना रख दिया, एक रख दिया, तो माइनस एन यह हो गया डेल्टा फाई बी अपान क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया, ठीक है। और
ये आपका आ गया कितना, ये विद्युत वाहक बल कितना हो गया, यहाँ से इसकी क्या कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन ई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ई इक्वल हो गया माइनस एन डी डी टी ऑफ फाई बी। समय के सापेक्ष फ्लक्स के मान में परिवर्तन का क्या हमने निकाल लिया, अवकल गुणांक निकाल लिया। और एक चीज आप जानते हो, विद्युत वाहक बल को किसमें नापते हैं, वोल्टेज में नापते हैं। विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। और बोल्ट किसका मात्रक है, विभव, विभव का मात्रक है। तो ई इक्वल क्या हो गया, भी हो गया, ठीक है। और आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है भी बटे आर होता है, ठीक है। किसका नियम, ओम का नियम। ये आपका हो गया ओम का नियम। तो जहां पे आप भी दिए हो, आई बराबर क्या हो गया, ई बटे आर हो गया। तो यहां से जो धारा पैदा होगी विद्युत वाहक बल के कारण, क्योंकि कुंडली का प्रतिरोध आर क्या है, कुंडली का प्रतिरोध, टेंडेंसी टू अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के में जो रुकावट पैदा होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस प्रतिरोध। यदि कुंडली का प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, तो यहां से आपका आई क्या आ गया, माइनस एन डी डी टी ऑफ क्या, फाई बी बटे क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर आ गया माइनस ये आपका एन डी डी टी ऑफ क्या हो गया, डी डी टी ऑफ ये आपका फाई बी, इधर क्या हो गया, आर हो गया। ये आपकी क्या हो गई, धारा पैदा हो गई, ठीक है, प्रतिरोध के कारण। तो उत्पन्न धारा कुंडली में, उत्पन्न धारा ये क्या कहलाएगी, प्रेरित धारा कही जाती है। और आई बराबर क्या हो गया, माइनस डी डी टी आई बी बटे क्या हो गया, आर हो गया, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, बी बटे आर, और बी इक्वल टू क्या है, ई है, तो क्या हो गया, ई बटे आर आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्रेरित आवेश निकालोगे, प्रेरित आवेश, और आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, यानी क्यू बराबर आई इंटू टी, और आपका आई क्या आ रहा है, माइनस एन डी डी टी ऑफ आई बी आर, और इंटू क्या हो गया, डी टी समय। तो डी टी से डी टी कट गया, और यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, क्यू, तो क्यू बराबर आ गया माइनस एन डी आई बी, और अपान क्या आ गया, आर आ गया, यानी ये आपका आ गया फ्लक्स माइनस फ्लक्स ग्रंथि का, फ्लक्स ग्रंथि का, और बटे क्या हो गया, प्रतिरोध। ये हो जाएगा वेबर टर्न बटे क्या हो गया, ओम, इसका मात्रक आ गया, क्यू का मात्रक आ गया। तो क्या आ जाएगा, प्रेरित आवेश बराबर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, टोटल फ्लक्स परिवर्तन, तो क्यू बराबर आ गया चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन बटे क्या जाएगा, कुंडली का कुल प्रतिरोध, कुंडली का कुल प्रतिरोध। दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, आप मुझसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो लिंक में आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम टॉपिक पे चर्चा करूंगा।
जिसमें प्रेरित धारा के डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में धारा फ्लो होगी, ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माई नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी रिलेटेड ऑन द अबव प्रेस्क्राइब्ड टॉपिक्स। थैंक्स।